हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी स्टडी। दोस्तों, हमारे चैनल पे कई सारे हमारे जो सब्सक्राइबर थे वो एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि DSY यानी कि डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी, इसके एडमिशन कब से स्टार्ट होगी, कैप राउंड कब है, मतलब हमारा कॉलेज स्टार्ट होगा। ये बहुत सारी इंक्वायरी आ रही थी, तो मैंने सबको यही कहा था कि जैसे ही अपडेट आती है मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो जैसे ही अपडेट आई थी तो मैंने जो है उसी दिन रात को आपको यहाँ पर जो है मतलब कम्युनिटी टैब में वहाँ पर शो जो है एक नोटिफिकेशन डाल दी थी कि जल्दी इस पे वीडियो आने वाली है और 11 तारीख से जो है एडमिशन स्टार्ट होने वाला है। तो जी हाँ, ऑलरेडी एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं 11 जुलाई से, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कंप्लीट शेड्यूल क्या है, कौन सी डेट को क्या करना है, कब तक रजिस्ट्रेशन है, कब तक आपको क्या करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर से एंड तक के देखिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि किसी कोई भी ऐसा ना बचे कि जिससे मतलब एडमिशन लेना हो और उसे ये पता नहीं हो कि एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है और उसका एडमिशन लेना रह जाए। अगर आप एक शेयर करते हो एक व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर भी ऐसा कोई नहीं बचेगा, क्योंकि अगर सबके सब एक एक शेयर करेंगे तो यह हर एक तक ये वीडियो ज़रूर से पहुँच जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे स्टार्ट में फ़ी यहाँ पर बता देता हूँ कितनी फ़ी आपको यहाँ पर लगने वाली है। तो जो जनरल या फिर ओपन ओपन कैटेगरी का जो कैंडिडेट है, ऑल इंडिया कैंडिडेट या फिर महाराष्ट्र स्टेट से अगर वो बिलोंग करता है, तो उसे जो है 800 रुपीज़ यहाँ पर फ़ी, यानी कि जो आपको किट लेनी होती है, जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसकी फ़ी यहाँ पर आपको 800 रुपये लगने वाली है। और अदर कोई भी आप NT ST SC VJ, साथ ही साथ OBC SEBC SBC, इस ये कैटेगरी के अंदर या फिर अदर कोई भी कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये फ़ी लगने वाली है। जो फ़ी है आप बिल्कुल ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप यहाँ पर पे कर सकते हो। सबसे मेन क्राइटेरिया जो यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो यहाँ पर 45% आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी में होने चाहिए सेकेंड ईयर में, तभी आप जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हो। या फिर अगर आप कोई किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर जो है मिनिमम 40% आपको मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए डिप्लोमा इन सेकेंड ईयर में, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तभी आप जो है वहाँ पर एडमिशन के लिए ये जो कैप राउंड के लिए जो फॉर्म्स है वो फिल कर पाओगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है वो इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए, तो ही वहाँ पर एडमिशन आपको मिल सकती है। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। तो चलिए हम शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 11 जुलाई यानी कि 11/7/2019 से ऑलरेडी आपके जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि रहने वाले 16/7/2019 तक के। तो इस टाइम आपको कंप्लीट अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सारे के सारे ओरिजिनल, जो भी कोई एफ सी सेंटर हो वहाँ पर लेके जाना है। एफ सी सेंटर की लिस्ट जो है उसकी भी मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा, बस उसमें आपको सारे के सारे एफ सी सेंटर दिख जाएंगे, या फिर आप सिंपली जो है महाराष्ट्र स्टेट सेल की साइट्स पर जाके भी वहाँ से देख सकते हो। 11 से 16 के तारीख के बीच में आपको जो है कंप्लीट यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है, ओपन के लिए 800 और 600 रुपये अदर कैटेगरीज के लिए फ़ी भरकर। ये आगे बढ़ भी सकता है, पर अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो जब कभी ये बढ़ जाता है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है मैंने स्टार्ट में बनाई है, इसलिए जो है इसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है वही मैं आपको बता रहा हूँ। पर आप ऐसा मत सोचिए कि आगे बढ़ता रहेगा तब हम एडमिशन लेंगे, जितने जल्दी हो सकता है आप एफ सी सेंटर पर जाके जो है अपना एडमिशन सॉरी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कन्फर्म कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आती है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की, यानी कि आपका मतलब कितना नंबर है ऑल स्टेट में और ऑल इंडिया में, यानी कि आपका जो परसेंटेज है 60, 70, 80, 90, जो कोई आपके परसेंटेज हो उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेट में कितना रैंक है, और साथ ही साथ जो ऑल इंडिया है उसमें आपका कितना रैंक है, वो एक लिस्ट लगेगी। वो लिस्ट लगने वाली है 18/7/2019 को। अब इसका टाइम जो है वो मोस्टली आज तक की जो लिस्ट लगी है वो 3 या फिर 4 से 5 के बीच में शाम को लगती है, तो ये टाइम जो है आप साइट चेक करते रहिएगा अपने लॉगिन में जाकर। नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो है 19/7 से 20/7 के बीच में। तो अब आपको यहाँ क्या कराना है, अगर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है या फिर आपके नाम के सामने किसी भी डॉक्यूमेंट की क्यूरी आती है, तो आपको फिर से उस डॉक्यूमेंट को लेकर एफ सी सेंटर पर जाना है और अपना जो भी कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेना है। तो इसके लिए आपको 2 दिन दिए गए हैं, 19 और 20, ये 2 दिनों के बीच में आप एफ सी पर जाकर ये करवा सकते हो। साथ ही साथ फिर 21 तारीख को यानी 21/7/2019 को जो है फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर लगने वाली है। इसमें आपको जो नंबर मिलेगा वो कन्फर्म आपका फाइनल नंबर होगा, इसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज देख लीजिए। जो कट ऑफ की वीडियो मैंने बनाई थी वो आप एक बार देख लीजिए, वो मेरिट नंबर के हिसाब से आपको उस मतलब उस साल का कोई कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है तो उसी के आसपास आपको कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो है 21 को ही फिर से एक लिस्ट आने वाली है, वो लिस्ट होगी कि कैटेगरी वाइज कितने सीट कौन से इंस्टीट्यूट में है, तो उसकी लिस्ट जो है 21 को आने वाली है।
पर 22 जुलाई से लेकर तो 24 जुलाई के बीच में जो है आपको अपना कैप राउंड 1 के लिए जो ऑप्शंस है वो फिल करना है। अभी किस तरह फिल करना हो तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर से चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। जैसे ही 24 को आप ये कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद 25 तारीख को जो है कैप राउंड 1 की आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट लगने वाली है, यानी आपका नंबर कहाँ लगा है तो ये आपको जो है 25/7/2019 को शाम तक समझ जाएगा। के बाद 26 तारीख से लेकर 28/7/2019 के बीच आपको जो है जो कोई कॉलेज अलॉट हुआ है अगर वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है तो आपका एडमिशन डायरेक्टली वहाँ कन्फर्म हो जाएगा। बस आपको जाकर वहाँ पर फीस पेड कर देनी और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने। और अगर अदर देन 1 नंबर आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस था उसके अलावा अगर आपको कोई कॉलेज लगा तो आपको कॉलेज को खुद विजिट देकर वहाँ पर जो है अपना एडमिशन कन्फर्म, फ्रीज या फिर फ्लोट कराना होगा। ये हो गई बात कैप राउंड 1 की। फिर से जो 26/7/2019 से लेकर 29/7 तक के जो आपको सब कुछ अपना कन्फर्मेशन कर लेना है। उसके बाद कैप राउंड 2 जो है 30/7/2019 से स्टार्ट होगा। 30 तारीख को कितने वैकेंसी बचे हैं फर्स्ट राउंड होने के बाद उसकी लिस्ट लगेगी। और 31/7/2019 से लेकर 1/8/2019 के बीच आपको जो है फिर से ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना है। फिर 4 तारीख को जो है फिर से यहाँ पर 3 तारीख को जो है यहाँ पर फिर से लिस्ट लगेगी 3/8/2019 को सेकंड राउंड की। और फिर 4 से लेकर 6 के बीच आपको जो है अपना सेकंड राउंड का एडमिशन कंफर्म करा लेना है। तो आगे का जो शेड्यूल है कैप राउंड 3 किस तरह होगा, साथ ही साथ जो है फोर्थ नंबर का राउंड होने वाला है या नहीं, ये सारे अपडेट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।